evening. Welcome to the Tata Indicom Mirchi Music Awards. आज म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे मेगा स्टार्स और सुपरस्टार्स की एक ही जमीन पर आने की रात है. आज हिंदी फिल्मों के मोस्ट सेंसेशनल हार्टथ्रॉब्स जेनीलिया बिपाशा और बिगेस्ट हार्टथ्रॉब सुपरस्टार शाहिद कपूर की धुआंधार परफॉर्मेंसेस से ये रात बनेगी इस साल की सबसे यादगार रात. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय को-होस्ट फॉर द इवनिंग, द वेरी टैलेंटेड शान. थैंक यू सो मच टीम. मैं जानता हूं कि संगीत से जुड़े हर सुरीले इंसान के मन में बस एक ही प्यास, एक ही आस है आज. तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास, अब रहना दिल के पास पास है मिर्ची. मेरे हाथ में वो अनमोल अवार्ड है, वो मिर्ची गर्ल, वो अनमोल गर्ल. क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. मैं जानता हूं कि हमारे सारे नॉमिनीज इस अवार्ड को देखकर शायद सोच रहे होंगे कि आ जा इन हवाओं में उड़ा के ले चलो, तू ही तो मेरी मिर्ची है. इस जबरदस्त रात की शुरुआत से पहले दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री के बिगेस्ट अवार्ड्स को जज करने हमारी जूरी सिर्फ दिग्गजों की. टेक अ लुक. टाटा इंडिकॉम मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के माननीय जजेस हैं म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक, प्लेबैक एंड सेमी क्लासिकल सिंगर कैलाश खेर, प्लेबैक एंड क्लासिकल सिंगर कविता कृष्णमूर्ति, डायरेक्टर कुणाल कोहली, म्यूजिक डायरेक्टर ललित पंडित, म्यूजिक कंपोजर लुई बैंक्स, कॉपीराइटर एंड लिरिसिस्ट प्रसून जोशी, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रमेश सिप्पी, प्लेबैक एंड क्लासिकल सिंगर साधना सरगम, म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर शंकर महादेवन, प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, प्लेबैक एंड क्लासिकल सिंगर सुरेश वाडकर. और इस जूरी के चेयरमैन हैं लिरिसिस्ट एंड पोएट जावेद अख्तर. अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी जूरी के चेयरमैन पद्मभूषण जावेद अख्तर साहब को. देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, एक शेर याद आ रहा है. आज की रात बहुत रातों के बाद आई है, देर से दूर से आई है मगर आई है. हैरत की बात भी है और अफसोस की बात भी है, और जब मुझे हैरत खत्म होगी तब अफसोस शुरू करूंगा कि आज तक हमारे मुल्क में म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक के लिए खासतौर से कोई अलग अवार्ड्स है ही नहीं. वो आदमी जो हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी जानता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर हिंदी फिल्मी गीतों का जादू न चला. ये गीत अपने अंदर एक अजीब कहानी है. ये गीत फिल्मों में आते हैं, फिल्में चलती हैं, उतर जाती हैं, कुछ दिनों बाद लोग फिल्मों का नाम भूल जाते हैं, लेकिन गीत जिंदा रहते हैं. ये गीत न सिर्फ जिंदा रहते हैं बल्कि गीत से ज्यादा कुछ बन जाते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज बेहतरीन शब्द, बेहतरीन धुन और बेहतरीन आवाज यहां से एक ट्रॉफी लेके जाएंगे. धन्यवाद. साथी माँ से और थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको देना चाहता हूं. आप जब कह रहे थे और मैं एक थॉट आया था मन में कि कई बार लोग ये सोचते हैं, जिज्ञासा होती है उनके मन में कि किस तरह से गाना बनता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिचुएशन टू लिरिक टू कॉम्पोजिशन टू द फाइनल सॉन्ग. और आज चूंकि हम संगीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदी फिल्म म्यूजिक संगीत सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उस चीज को लाइव करके दिखाएं हमारे यहाँ प्रस्तुत सारे दर्शकों को और ऑफकोर्स टेलीविजन डेरी के जरिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं. तो इसके लिए आपको हमारे लिए एक बहुत 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 बड़ा काम करना होगा. एक सिचुएशन पर आपको हमें चंद लाइनें देनी है और उसके बाद हम उन पर हमारे जो यहाँ मौजूद संगीतकार हैं उनसे कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि उन पे वो कुछ ट्यून बनाए अपने अपने अंदाज में. ये तो मैं सिचुएशन सुन के बताऊंगा. अच्छा जावेद साहब, वैसे तो ज्यादातर 95% सिचुएशन रोमांटिक ही होती है, लेकिन मैं सोचा कि आप हैं तो कुछ एक थोड़ा सा जटिल मुश्किल सिचुएशन सामने रखें.
इलेक्शंस सर पे हैं, आईपीएल यहाँ नहीं हो रहा है, या रिसेशन। अगर मुझे मालूम होता कि आप इस तरह का कोई टॉपिक मुझे गाना लिखने के लिए देने वाले हैं तो मैं अपनी स्पीच खत्म नहीं करता। चलिए मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं आज का ये अवार्ड नाइट। टाटा इंडिकॉम मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स का पहला अवार्ड है मिर्ची लिसनर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर। And to present this award, I'd like to call on stage Mr. Trivikram Thakur from Tata Indicom and the khoobsurat RJ Sana. All right, and I'm so happy because I'm going to announce this. And that's Kabhi Kabhi Aditi, a fast style. This is wonderful. I think, like Javed Saab said, these awards were long overdue. It's so wonderful to have an award like this, and it's terribly, terribly overwhelming to win the first Mirchi award ever. Thank you, Radio Mirchi. Thank you, guys. Thank you, everyone. Thank you, jury, for voting me. It's a great honor. Thank you. And now moving on to the next category. Mirchi Listener's Choice Album of the Year. And the Listener's Choice Album of the Year goes to Jaane Tu Ya Jaane Na, winner Abbas Taiwala. कभी कभी आलती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। Okay, I'm a lot less overwhelmed this time, so I can now thank the people that I need to thank for Jaane Tu. My producer Amir Khan for sensing what the script was, for hearing the music the first time he heard the script and not asking for any change, just letting me make the movie that I wanted to make. The honor that it is to work with a man like A.R. Rahman. Thank you so much. Thank you, Vikram. Thank you, Sana.